तो व्हाट्स अप माय ब्यूटी फैमिली, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो गाइस, ये गाड़ी हम लोग ने एक आज से करीब 3 या 4 महीने पहले मॉडिफाई की थी, जिसको मैंने यूट्यूब पे बताया नहीं था आप लोग को। तो इसके लिए मैं आपको लोग के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको इसका टोटल कॉस्ट ऑफ मॉडिफिकेशन, इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है एंड इसका लुक किस तरीके से आ रहा है, वो मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा। एंड स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। पहले तो आपको इसका 360 वॉकराउंड दे देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ चेंजेस हुए, आप एक बार देख लो, फिर एक एक करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा क्या क्या चीज़ हम लोग इसमें इंस्टॉल किए। तो ये है गाड़ी का साइड प्रोफाइल। यहाँ पे इसका जो है फ्रंट एंड, एंड ये फिर से इसकी साइड प्रोफाइल। ये इसका टॉप व्यू एंड ये इसका रियर प्रोफाइल। सो स्टार्ट करते हैं अपने हेड से। इसमें हम लोग ने हेड पे इंस्टॉल किया है R6 का मास्क, जिसका लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। इसमें हम लोग ने कस्टम DRL भी इंस्टॉल की है, जिसमें हम लोग ने फ्लैशर भी इंस्टॉल किया, जिसके वजह से आप देख सकते हो ब्लिंक हो रहा है। इसमें करीब 10 to 12 पैटर्न्स है, जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग ब्लिंक होता है एंड इसका लुक अलग अलग आता है। तो साथ ही में इसमें हम लोग ने मिनी ड्राइव का देख सकते हो कि प्रोजेक्टर्स भी इंस्टॉल किया है, दो जो फॉग लाइट है, जो येलो एंड वाइट दोनों जलता है। एंड इसमें मडगार्ड इंस्टॉल किया हम लोग ने RC का 200 का, जिसका लुक आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्रंट में आप देखोगे एलॉय में भी कस्टम ग्राफिक्स हुआ है, जिसका लुक मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये देखो, देख रहे हो, ये तो टायर्स चेंज हुए हैं इसके बाद बनाने का, इसलिए थोड़े बहुत यहाँ पे चीप ऑफ देख सकते हो आप। तो ये है इसका फ्रंट का लुक, एलॉयज में कस्टम ग्राफिक्स किया है एंड कस्टम पेंट जॉब किया है। एंड मिरर्स इसमें इंस्टॉल हुए हैं ZX 10R वाले। इसमें हम लोगों ने इंस्टॉल किया है बबल वाइज़र, जो अपने भाई लेके आए थे एंड भाई ने पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन का काम किया है। जो अब जो ग्राफिक्स की कंप्लीट चॉइस देख रहे हो, ये भाई की है, पूरा कंप्लीट कस्टम ग्राफिक्स भाई ने खुद से बनाया है। मतलब मेरे को भेजा था कि ऐसा बनाना है एक एक पार्ट में, तो उस तरीके से हम लोग ने बनाया। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको ये कैसा लग रहा है। सो बात करते हैं अभी साइड प्रोफाइल में। साइड प्रोफाइल में आप देखोगे टैंक कवर दिख रहा है, साइड पैनल दिख रहा है, अंडरबेली दिख रहा है। जो टैंक कवर है वो है R1 का टैंक कवर, जिससे इसका लुक कितना बल्की आ रहा है ये देख सकते हो आप। यहाँ पे हम लोग ने इस बीच में कार्बन फाइबर रैप किया है, जिस पे हम लोग ने क्लियर कोट लगाया है, जिसके वजह से आपको देख सकते हो कि सिंगल फिनिश में लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम लोग ने इसमें पेंट किया, पेंट की क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा प्रीमियम है। ये आप 5 महीना या 4 महीनों के उसके बाद भी इसका ग्लॉस आप चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा है। एंड यही चीज़ आपको टैंक का, मैं ये वाला पोर्शन बताऊँगा, क्योंकि बाइक का सबसे सेक्सीएस्ट पोर्शन मेरे को ये पोर्शन लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि टैंक कितना ज़्यादा बल्की लग रहा है और ओवरऑल बाइक की प्रोफाइल को कितना ज़्यादा एनहेंस कर रहा है ये चीज़। एंड साथ ही मैं आपको मैं साइड प्रोफाइल बताऊंगा, जिसमें कस्टम ग्राफिक्स हो, यहाँ पे आपको R1 देखने मिल जाएगा। एंड साइड में भी देख सकते हो कि भाई ने अपनी बाइक का नाम किस्मत रखा है, तो यहाँ पे आप किस्मत देख सकते हो। दूसरी चीज़ हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल की है अंडरबेली 1.0, जिसका लुक आपके सामने है। ये एक कॉम्पैक्ट अंडरबेली है, साथ ही में इससे 1.0 में आपका लुक कितना ज़्यादा सही आता है आप देख सकते हो। कॉम्पैक्ट है बट ये बल्की है, क्योंकि ये पूरा पोर्शन देख सकते हो कम्प्लीटली इसमें ढका हुआ है। बस आपको दिखेगा यामाहा का इंजन कवर, जिसकी वजह से गाड़ी का लुक और ही ज़्यादा मस्त दिख रहा है। आपको अगर अंडरबेली ऑर्डर करना है तो आप डायरेक्टली ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अपने पास अंडरबेली अवेलेबल है। एंड साथ ही मैं आपको बताता हूँ, इसमें रेयर पोर्शन में कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, एकदम मिनिमलिस्टिक है। सिर्फ टिल्टेड हम लोगों ने इसमें इंस्टॉल किया है, साथ ही में इस पर जो है कस्टम ग्राफिक्स किया है। यहाँ पे एक रेड कलर का रेडियम मारा है, साथ ही में यहाँ पे देख सकते हो जो ट्रायंगल पैटर्न जो फ्रंट में है उसी को यहाँ पे हम लोग ने कंटिन्यू किया, जिसके वजह से लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है। रेयर में अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो एक मैसिव टायर इसमें इंस्टॉल हुआ है, मेटज़लर का 200 सेक्शन का टायर इंस्टॉल हुआ है, देख सकते हो 200 सेक्शन। मतलब आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वाइड टायर एक V3 के लिए, जिसके वजह से इस बाइक का लुक अलग लेवल पर जा रहा है। इसका विथ मेरे हाथ से भी बड़ा है, ये देखो अभी भी मेरा हाथ बच रहा है यहाँ पर वहाँ पर, मतलब इतना बड़ा टायर है ये। तो इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, इसका ग्रिप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये, क्योंकि भाई जो है लीन मास्टर है, गाड़ी हमेशा इधर उधर करते हैं, इतना ज़्यादा इसको लीन करते हैं कि अपना जो पैडॉक अरे फुटपैक है वो तक घिस जाता है। ठीक है, फुटपैक एग्जॉस्ट सब घिसा के एक कर दिया है सब। तो ये टायर्स का रिव्यू आप भाई को ही पूछते अपने किस तरीके का टायर है ये। तो टायर कैसा लगा तुमको भाई, 200 नंबर का तुमने इंस्टॉल किया उस पर?
मतलब इसपे एवरेज का कुछ ज्यादा हल्का फर्क पड़ता है, हाँ लेकिन हाँ लोगों जो का कंसर्न रहता है कि एवरेज का कम पड़ता है कि नहीं, हो होता है कि एवरेज कम? होता है ना, मिनिमम ज्यादा नहीं फर्क पड़ता, ये बराबर है। और पावर तो ऐसा लगता है ना जैसे और बढ़ गया है। इनिशियल पिकअप बढ़ जाता है, टॉप हाँ स्पीड कम होता होगा लेकिन ना और इसमें जो कॉर्नरिंग मारने का जो है ना, मतलब कॉन्फिडेंस। हाँ अलग ही नेक्स्ट लेवल। मतलब अब मारो वो गाड़ी बोलता है हाँ और मारो। ठीक है, तो ये भाई का इंस्टाग्राम आईडी भी मैं ऊपर मेंशन कर दिया, जिसको फॉलो करना है भाई, स्टॉपी विल्ली सब करते हैं। एंड बहुत अच्छा खासा इनका पेज है, आपको गाड़ी के अच्छे अच्छे फोटोज़ दिखने मिल जाएगा। रिसेंटली उन्होंने एक पिक्चर अपलोड किया, तब मेरे को याद है भाई ये बाइक भी अपने बनाए, बुलाते वीडियो बनाते। तो फ्रंट से बाइक का लुक जिस तरीके से रहा है, सेट प्रोफाइल में मैंने आप लोग को बता दिया। अब बात करते हैं इसके कॉस्ट की, कि कितना कॉस्ट किया इसमें हम लोग को लगा है ओवरऑल मॉडिफिकेशन के लिए। सबसे पहले इसकी खाली बॉडी किट की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग ने इंस्टॉल किया है लगभग लगभग पकड़ के चलो मड गार्ड लेके, R6 का वाइज़र, फिर उसका इसका वाइज़र का वाइज़र प्लस अंडरवेली टैंक कवर, ये सारी चीज़ें आपको पड़ेगी। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पकड़ के चलो 2800 रुपये का ये है, कुछ 1700 या 1600 रुपये का वो आएगा, 1200 रुपये का वाइज़र, और आपका ये जो वाइज़र देख रहे हैं वो भी कुछ 700 या 800 रुपये का होगा। मड गार्ड आएगा आपका 700-800 सेम वही, तो लगभग लगभग पकड़ के चलो कि 10,000 के 12,000 के आसपास का है। मैंने अभी टोटल नहीं किया, बस एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, उतने के आसपास का इसमें बॉडी किट इंस्टॉल किया है। अभी बात करते हैं पेंट वर्क, ग्राफिक वर्क का, एंड इसमें कितने का, मतलब वो सारी चीज़ें। एसेसरीज तो आप देख सकते हो दुनिया भर की लोडेड है, अभी तो आपको हैंडल तक नहीं बताया, इसका हैंडल देख लो, यहाँ पे भाई ने जो है स्ट्रिंग डाल के रखा है। मतलब अभी नए बाइकर्स की नई चॉइस हो गई है कि यहाँ पे जो है फेक कैन है, जिसमें दोनों बाजू में स्ट्रिंग है, जिससे आपको ब्रेक फ्लूड के दिखेगा कि .4 का ब्लेड ब्रेक फ्लूड डाल के रखा है, बट ये ब्रेक फ्लूड नहीं है, ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग है। बट इससे लुक देख लो किस तरीके से आ रहा है। सो बात करते हैं पेंट जॉब की और ग्राफिक्स की, इसमें कितना एस्टिमेट हुआ है। तो आपको जो है मेरे हिसाब से पेंट जॉब और ग्राफिक्स का कॉस्ट लगभग लगभग 22 के आसपास का होगा, क्योंकि मैकविल का भी इसमें काम हुआ है आगे पीछे, मतलब तो 22 से 25 के बीच में पेंट जॉब पकड़ के चलो, एक प्रीमियम क्वालिटी का पेंट जॉब कराना चाहते हैं तो। एंड साथ ही में इसमें हम लोग ने मिरर्स भी इंस्टॉल किए, जो जो आपने बताया, इसकी कॉस्टिंग आपको 2700 से लेके 3500, जहाँ से आप लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये जो प्रोजेक्टर्स है वो भी आपको सस्ते में मिल जाएंगे, 800 रुपये से लेके 1200 रुपये तक जो आते हैं, वो सेम DRL का आप जो कहीं पिक्सल वर्क किसी और के पास से कराओगे तो वही 1200 से 1800 अपने पास भी उतने में कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने इस बाइक में की है। आप लोग कमेंट करके बताओ आपको बाइक कैसी लगी, एंड भाई बहुत दूर से आए थे अपने पास बाइक लेके, अच्छा लगा था कि नहीं भाई मॉडिफिकेशन? अच्छा तो फिर तो करते इस वीडियो को रिएंड, मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।